वो कमीने कहाँ मिलेगा? जरूर प्रताप, बेटा प्रताप बहुत बुरा हुआ, प्रेम और तेरी मामा उमा और राधा को उठा कर ले गए बेटा। क्या नाम बताया आपने उस लड़के का? प्रताप। ये लड़की आपको कहाँ मिली थी? रास्ते में बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में नोटों से भरा बैग था। हाँ। एक मिनट, कहीं आप दोनों राधा के भाई तो नहीं है? पिछले राखी पे आप लोगों ने बचपन का गाना जी, आप लोगों ने जो बात बताई है उससे तो यही साबित होता है कि राधा हमारी बहन है। भैया इसका मतलब है कि राधा दीदी जिंदा है। भैया राधा जिंदा है मेरे भाई, राधा जिंदा है। लेकिन वो लोग उन्हें कहाँ लेके होंगे? मैं जानता हूँ वो लोग उसे कहाँ ले गए होंगे। आइए चलो। धनराज कंग्रेचुलेशंस, हमारे साइंटिस्ट ने ये फार्मूला तैयार कर लिया है। ये रहा वो फार्मूला और ये रही फ्लॉपी। बट धनराज, मैं चाहूंगा कि टू बी वेरी श्योर, इस फॉर्मूले को अपने किसी बेकार आदमी पर इस्तेमाल करके देख लो। हमारे दुश्मन के होते हुए हमें अपने आदमी की जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम दोनों को खत्म करने से पहले ही मर जाऊंगा? मौत तो तुम्हारी हमारे हाथ लिखी है, उस दिन ना सही आज सही। ये जाम आप लोगों की मौत के नाम। हट जाओ। क्या हुआ, फटा नहीं? बड़े बेवकूफ हो तुम लोग, और तुमसे बड़ा बेवकूफ वो साइंटिस्ट है जिसने उस नकली फ्लॉपी से वो बेहुदा फार्मूला उतार कर वो शरबत बनाया और तुम लोगों ने मुझे पिला दिया। खामोश। अगर जान प्यारी है तो बताओ वो फ्लॉपी कहाँ है, बताओ। कभी नहीं बताऊंगा, फ्लॉपी मैंने छुपा रखी है। मैं तुम लोगों की तरह वैसी दरिंदा नहीं हूं जो लाखों और करोड़ों इंसानों की जिंदगियों से खेल जाऊंगा। फ्लॉपी तो तुम लोगों से मिलने का एक बहाना था। दरअसल मैं तुम लोगों से अपने बेटे अमर और अजय के खो जाने का बदला लेना चाहता था। तुम लोगों की लड़ाई में मैं अपनी बेटी राधा के जल जाने का बदला लेना चाहता था। शट अप, बताओ वो फ्लॉपी कहाँ है? पापा, आपकी बेटी राधा जिंदा है, आपके सामने खड़ी है। उस दिन मैं रुपयों का बैग लेकर चली गई और आज तक आप समझते रहे कि मैं तो मेरी बेटी राधा है। हिलो मत राधा। धनराज, कौन बाप चाहेगा कि वो अपनी जवान शादीशुदा बेटी का खुला बदन देखे? नहीं, खबरदार किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। तुम देखते जाओ दीनानाथ, हम तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या करते हैं। नहीं, नहीं। Hey, don't move. आगे बताना वरना आप राधा दीदी को हाथ नहीं लगाएंगे। तुम मेरे बीच में मत आओ बेटी, जाओ। मेरे हाथ मत लगाना, पापा। दीनानाथ, ले जाकर इसका इंतजाम कर दो। बॉयज, इधर आओ। नहीं, इसे ले जाकर बांध। नहीं। Thank you.
जानते हैं दोनों कौन है? तुम्हारे बचपन का खोए हुआ भाई अजय और अमर। हाँ राधा, तुम्हारे भाई हैं ये। भैया लाइफ में विलन नहीं हीरो बनो। देखते नहीं बहन भाई मिल रहे हैं? हाँ जगराज, अपने आप को संभालो। दुश्मन चारों तरफ है, हमें सबसे पहले उनसे निपटना होगा। अपने हाथ में मत लो, ये काम कानून का है, कानून का ही करने दो। चलो हीरो, ले जाओ इन दोनों को। पकड़ो इन सबको, चलो। दराज, दुश्मनी अपनी जगह पर, मगर तेरी बेटी सारी जिंदगी मेरी बेटी थी और सारी जिंदगी मेरी बेटी ही रहेगी। डैडी, मुझे यकीन है कि जब आप जेल से लौटेंगे तो एक अच्छे इंसान बनकर। जरूर बनेगा। पिताजी, मैं अजय और यामर। मेरे बच्चों, दोनों से बिछड़ने के बाद मैं एक पल भी चैन की जिंदगी नहीं जी सका। मैं मर मर के जिया हूं,
कहां कहां तलाश किया, दर दर भटका। मुझे लगता है भगवान ने मेरे ही गुनाहों की सजा राधा को दी है। ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर नहीं बच्चों। हमें गर्व है कि हम आपकी औलाद हैं। बाबा, भगवान अगर हमें दोबारा जन्म दे तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे पिता हो। मैं माँ के नाम पे कलंक हूँ, मैं तो तुम दोनों से माफी मांगने की भी हकदार नहीं हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए आप। माँ तो सिर्फ माँ होती है। आपको पूरा हक है कि आप हमारी गलतियों पे हमें डांटे, हाँ हमें सुधारे। माँ ये राधा के पिता हैं और ये दोनों इसके भाई हैं। नमस्ते। नमस्ते भैया, मुझे लगता है बाबा को बात बता देनी चाहिए। कौन सी बात? जब आप शिमला गए थे तकिए के नीचे इनकी तस्वीर मिली थी। कुछ नहीं पिताजी, वो ये भूल गए। मतलब मिलते ही असलियत जाहिर हो गई तुम लोगों की।